शिक्षा से डरती है। सलाम मास्टर, हमरे पेट पे लात मारता है, डायन को नहीं मानता। का हालत बना रखी है जीजा? जीजा कब तक ऐसे रहोगे? का साले मास्टर वा को गांव की लड़की के पीछे पड़ा है। वो साली भी तो हमसे ढंग से बात नहीं करती। अब थूकते है तुम्हारा मुंह पर। तुम का देख ले रे कल्लू, तेरी जाति में जो भी नियम कायदा हो, मगर हम अपनी मैना की शादी तो जैसे पियक्कर से कभी ना करेंगे। हाँ अरे बस भी करो। आपने क्या सच में ताड़ी पी ली थी? हाँ तो क्या करता। अरे अब हंसना बंद करो तो मैं एक बात पूछूं ना। पूछो। ये जो तुम्हारे गांव का रिवाज है, ये तुमको पसंद है? मेरा मतलब अगर कोई तुमको उठाकर ले जाए तो तुम उसे पति मान लोगी? पसंद का क्या पूछते हो मास्टर बाबू, यहाँ से सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमको कोई पसंद है? पसंद? पता नहीं। अरे पता नहीं, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारी शादी शहर में हो तो। शहर में? हाँ शहर में हमरा जाति का लोग थोड़ी रहता है। तो मतलब तुम जाति के बाहर शादी नहीं कर सकती? जाति के बाहर? राजू नहीं आई? अच्छी पगली है। हमको शहर का लोग पसंद नहीं, सब झूठा होता है, सब ठग है। क्या सब झूठे होते हैं, सब ठग हैं? और नहीं तो क्या। पता है जब हम शहर में महुआ और दातुन लेके जाते हैं तो कम दाम बता के सब उल्टा पुल्टा बता देते हैं। हम तो बस का नंबर भी नहीं पढ़ पाते तो गलत बस में बिठा देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होता मास्टर बाबू, अब हम आपके तकबूल जो आते हैं। अच्छा मैं भी तो शहर का हूँ, तो क्या मैं भी झूठा और ठगूं? नहीं आप तो बहुत अच्छे, एकदम पटोस के फूल के जैसे। क्या पटू? क्या मतलब? पटूस नहीं पता? हे भगवान, इसको चंपा चमेली गुलाब कुछ नहीं मिला था। अच्छा मैं ना अगर कोई मेरे जैसा शहर का पटू तुमसे शादी करना चाहे तो Thank you.
मास्टर वह हाथ उठाया कल्लू पर, शनिचरी ने भी ऊ का समझती अपने आप को विधवा के खून में इतनी गर्मी, ऊ का भूल गई कि ऊ के मर्द को हम ही जिंदा गाड़ देते जमीन में। बोलती थी जैसा बाप वैसा बेटा। ओझा जी मालिक, जंगल वाले मकान में ऊ का उठा के ले आ। जी मालिक, मालिक उठाने की क्या जरूरत है, बेकार का हल्ला गुल्ला होगा, उसको तो हम प्यार से समझा देंगे मालिक। या तो खुद अपनी खुशी से आ जाए, वरना उसकी जवान छोकरी को उठवा लेंगे। मुझे लगता है मास्टर बाबू तुमसे प्यार करने लगे हैं। प्यार कौन? मतबल मतबल अब ई भी हम ही को बताना पड़ेगा। ये देख, लग गया निशाना। हाँ। बस ई का मतबल प्यार होता है। ई गुलेल चलाना प्यार होता है? जब देखो ई गुलेल और ई दांत, बता ना। बता दे मतबल कि ऊ को तुम अच्छी लगने लगी हो। किसमें क्या है, हमको भी तो ऊ पसंद है। ओ माँ, मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। हम तो सबको प्यार करते हैं लाजो, हम तुमको भी तो प्यार करते हैं। पगली मैं ना, ई प्यार और ऊ प्यार में फर्क होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि प्यार बहुत बड़ा होता है। समझी, रामायण कथा जैसा। पर तेरे को ये सब कैसे मालूम लाजू? बस हम जानते हैं। वो क्या है मैना, कि तू बहुत सुंदर है री। ये क्या हो गया है तुझको? वो क्या है कि आज हम बहुत खुश हैं। हमारी मैना को प्यार तो हो गया है। जा सनी चली, जा। सरकार को ज्यादा इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। जा 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 जा, सरकार के पांव छू। अगर तूने गांव वालों के सामने मुंह खोला तो मैना की भी यही हालत होगी, समझी? और लो बुधराम, ये लो पियो। तो तुम्हारे गुलाब है वाली, क्या कहोगे वही करेंगे। अरे हमरा तो धर्म ही सेवा है। आइए आइए दरोगा जी, आइए। पुलिस पुलिस, आशीर्वाद। और कल्लू कैसे हो? बस आपकी कृपा दृष्टि है। काम हो गया? हाँ काम हो गया। जब तक हमारी पोस्टिंग यहाँ है ऐसे ही काम करते रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद। भाई ओझा, आशीर्वाद तो तुम्हारा चलेगा, हमारा तो डंडा चलता है। क्यों हवलदार नायक? अच्छा कर लो, फिर मुलाकात होगी। अच्छा ओझा। अच्छा नमस्कार साहब। गया साला, मरेगा कुत्ता का मौत। इस साला मचरवा के कहने में हमसे टक्कर लिया, कल्लू से टक्कर लिया। अब आएगा मजा और हमरे को मिलेगा मुर्गा। करो
आजकल धंधा मंदा चल रहा है। अरे कर तो दिया, बुधराम तड़प रहा है साला। अब गांव वालों को पता चलेगा कि हमारी बात ना मानने का क्या इंजाम होता है। भुगामो बाबा, भुगामो बाबा, सुनने के बाबा को बचा लो, सुनने के बाबा को बचा लो, सुनने के बाबा को बचा लो। हम जानते थे ऐसा ही होगा, ऐसा होना भी चाहिए था। पूरा गांव हमको बोगांबू ओझा बोलकर इज्जत करता है, और ये बुधराम मास्टर के कहने में आकर हमारा अपमान किया। दारू तो एक बहाना है, बुधराम के ऊपर उसी डैन का असर है जिसे हम उस दिन पूजा करके मारना चाहते थे। अब बुधराम को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो बाबा, उनका माफ कर दो, उनका बचा लो बाबा, उस डैन को भगा दो। अभी ओझा इतना कठोर कैसे बनता है? बेचारी कितना गिड़गिड़ा रही, रहम खा और इका भी कल्याण कर ही दो। मतलब वो डैन का पूरा जोर लगा है। तू एक मुर्गा ला के रख है? हम अभी आते हैं। हम अभी लाते, अभी लाते। तो बहुत सीरियस है। ये मास्टर से गए, यहाँ से चला जाए, नहीं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। गए पर भाभी इसकी हालत बहुत गंभीर है। अरे बोला ना, जाओ, कहीं घर को उजाड़ना चाहते हो? जाओ। एक तो ये आप लोगों का भला चाहते हैं और आप इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये लोगों को कब अकल आएगी पता नहीं। चलिए मास्टर साहब। मास्टर बाबू, रामू काका ठीक कह रहे। शंकर, तू जाके बैलगाड़ी लेकर आ। लेकिन बेकार है डॉक्टर को बुलाना, ये लोग सुनेंगे ही नहीं। तुम वो करो जो ये कहते हैं, चलो जाओ। अरे जा जाओ। पता चुड़ैल, जल्दी पता। बुधराम को छोड़ेगी या नहीं, जल्दी पता। बता बुधराम दादा को किसने मारा, उस डायन का पता बता। पता जल्दी पता। नीम का पेड़ पीछे कीकर का पेड़ गांव के पूरम में। घर में दो प्राणी,
मुंह में जो बड़ा है। लग गया पता सनी चिली। हाँ आग लगेगी उसके शरीर में, जरूर लगेगी आग। चलो सनी चिली के, चलो सनी चिली के, चलो सनी चिली। नहीं मैं ना पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा, सजा दिलाऊंगा उन्हें, सजा दिलाऊंगा मैं। मैं तुमसे वादा करता हूं बेटी, हम सब जुल्म से जूझेंगे, हम सब जुल्म से जूझेंगे। चलो बेटी, कब तक यहां बैठी रहोगी? चल हमारे घर चल, हम भी तो तुम्हारे बाबा समान है। चल जो बेटा बुखार कैसा है? नीचली काकी को जिंदा से ला दिया बाबा, ये काकी हम ऊपर से हमें अंदर बंद कर गए। ये भी ना समझ है,
वो डैन थी पूरे गांव को बर्बाद करके रख देती। डैन कुछ नहीं होता, मास्टर बाबू कहते हैं। मास्टर बाबू तो पूरे गांव को अपने काबू में करना चाहता है, बच्चों को भड़काता है। तेरे बाप का दुश्मन है दुश्मन। बाकी कितना प्यार करती थी हमको बाबा, वो डायन नहीं हो सकती थी, वो अपनी माँ की तरह थी। और तुम ही बताओ बाबा, काकी बुधराम को काहे मारने लगी? बेचारी मैना, वो तो अनाथ हो गई ना। तू कहाँ चली? तू तो बुखार में है ना? मैना से मिलकर तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तू मानती नहीं। मैना मैना की रट लगाए हुए। मेरी पक्की सहेली, वो डैन की बेटी है। से मिलकर आऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। बाबा ले लो। देखो मास्टर, तुम्हारा घर भी आरा पड़ता और हमारा, और तुम हमारी जाति के भी हो, इसलिए केस को आगे नहीं बढ़ा रहे, वरना। अच्छा ये बता, वो सनीचरी तेरी कुछ लगती थी क्या? क्या इंसानियत को भी रिश्तों की जरूरत होती है? तो तेरा बीच में बोलने का मतलब है? अगर सनीचरी की बेटी से तेरा चक्कर ना चला होता तो तू यहां कभी ना। अगर किसी शरीफ लड़की से बात करना आपकी नजरों में गलत है तो ठीक है, आप केस दर्ज कीजिए, FIR लिखिए। आप लिखिए, दर्ज कीजिए। ये रॉब का है मास्टर, केस तो दर्ज हो चुका है। तो जाके गिरफ्तार कीजिए उन्हें। पहली बार एक मुजरिम दरोगा को गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहा है। देख मास्टर, मैं अभी समझा, तू हमारी जाति का है इसलिए केस को आगे नहीं बढ़ पाए। क्या कहना चाहते हैं? पूरी जो हकीकत, बचुआ तुम्हारी पूरी जन्म पत्नी हमारे पास है। तू सनीचरी की बेटी को फंसा चुका था। बेचारी सनीचरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं थी, बेटी को भी समझाया, पर हायरी जवानी, होश कम और जोश ज्यादा, तुझसे अलग करने में नाकाम सनीचरी को आत्महत्या करनी पड़ी। झूठ है, बकवास है, मनगढ़ंत कहानी है। तो सच क्या तू बता दे? गांव वालों ने मिलकर सनीचरी काकी को जिंदा जला दिया। तूने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, पर मैना ने देखा। ए, तोता मैना की कहानी बाद में तूने देखा था या नहीं, ये बता। नहीं, मुखिया के हाथों बिक चुके हो तुम। ए मास्टर, ज्यादा गर्मी मत दिखा, वरना हलक में डंडा देकर नौकर में मत कर, तुम समझे? देख लूंगा। ए मास्टर, ये थाना है, तेरे बाप का घर नहीं। ज्यादा गर्मी मत का, शोर मचाना तो बाहर जाके मचा। मेरा तो तबादला हो चुका है, मैं तो मुंबई जा रहा हूं, समझा? मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो मुझे तो देनी पड़ेगी। अच्छा फसाया मुखिया, उनको तो बस डायन ही डायन नजर आती, इस मास्टर में भूत नजर नहीं आता। ये कहा हो गया, शनिचरी काकी डायन नहीं थी और हमारी बहन भी नहीं थी, फिर का है? जीजा, शनिचरी काकी को भी एक का है, हम औरतों को जलाते रहते हैं, मारते रहते हैं, का है? मैं ना सारी रात रोती रही, भी तुम्हारे जीजा की तरह। मास्टर बाबू दारोगा के पास गए, काहे? अरे उनको पता नहीं का के दारोगा हम लोगों का दुश्मन है, दुश्मन? मास्टर बाबू तो हमें दुश्मन नहीं है ना जीजा? हाँ, वो हमरे दुश्मन नहीं। अगर आपको बोल कर आते हैं कि वो मास्टर बाबू के साथ साथ परछाई की तरह रहे। मुखिया के मन में कहा है ये तो भगवान जाने, हम तो इतना जानते हैं कि जो भी है काला, एकदम काला, एकदम काला। Thank you.
देखा है दरोगा कितना बेईमान निकला। मास्टर बाबू ईमानदार होता तो दरोगा थोड़ी ना होता। मैं इसे छोड़ूंगा। हेलो राज, राज, हाँ राज, यहाँ का दरोगा तो बहुत ही करप्ट है, इसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आ तू कुछ करवा यार, इसको सस्पेंड कराना चाहिए। एंड नाउ वी हैव गॉट एनफ मटेरियल, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखवा ले, जल्दी करवा दे। ओके बाय, टेक केयर।